कृषि क्षेत्र में भारत की यात्रा नई इबारत लिखने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका एक उदाहरण भारत के कृषि निर्यात में देखने को मिला है। भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि निर्यात में यह बढ़ोतरी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच हुई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना से प्रभावित वैश्विक बाजारों में भारतीय गेहूं के साथ ही भारतीय अनाज से तैयार विविध प्रसंस्कृत आइटम, अन्य अनाज, चावल, डेयरी उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हुई है। विदेशों में इस बार भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। अपीडा के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की तुलना में बीते 10 महीनों में भारतीय गेहूं की मांग में 387% की वृद्धि हुई है। अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई थी, जबकि अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 1742 अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं अन्य अनाजों के निर्यात में 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।